बात इतिहास की। अप्रैल का महीना अपने आप में इतिहास की कई बड़ी घटनाओं को समेटे हुए है। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई, तो 15 अप्रैल को एक और महान शख्सियत की जयंती है। कौन है ये महान शख्सियत और 15 अप्रैल के दिन इतिहास में क्या कुछ और दर्ज है, आप ये रिपोर्ट देखिए। एक ओंकार उदासी यानी भ्रमण यात्रा 1507 से 1515 तक चली। यात्रा में हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, सोमनाथ, द्वारिका, नर्मदा तट, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुल्तान, लाहौर जैसी जगहों का भ्रमण किया गया। गुरु नानक समाज की भलाई के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार उनके पिता ने उनके लिए गाँव में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर बाजार से खरा सौदा लाने को कहा। गुरु नानक ने उन रुपयों से कुछ भूखे साधुओं को भोजन करा दिया और घर आकर पिता से कहा कि वो खरा सौदा कराए। गुरु नानक ने करतारपुर नाम का एक नगर बसाया था जो अब पाकिस्तान में। इसी स्थान पर 1539 में गुरु नानक का स्वर्ग भ्रमण हुआ। इसके अलावा 15 अप्रैल का एक और रोचक इतिहास। इसी दिन साल 2004 में फ्रांस सरकार ने एक ऐसे कानून को मंजूरी दी थी जिसमें स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। हालांकि ये कानून 2 सितंबर 2004 से लागू हुआ था। कानून के तहत मुस्लिमों के हिजाब, सिखों की पगड़ी और ईसाइयों के होली क्रॉस जैसे धार्मिक चिन्हों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था। 10 सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप 10 सूत्र। आप हमारी खबरें dasutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।